नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र गुप्ता अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं, जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर में कप प्लेट है, फिर कप प्लेट इधर ढका हुआ है, फिर थर्मस है राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे नीचे साइड में, तो ये पिस्टन सिलेंडर असेंबली है। ठीक उसके ऊपर देखेंगे तो ये कंप्रेसर सिस्टम है। तो ये कैसे एक सिस्टम है, कैसे इसमें थर्मोडाइनिक्स अप्लाई होता है, इन सभी को वन बाय वन देखेंगे। आप पूरे वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो थर्मोडाइनमिक्स क्या है? थर्मोडाइनमिक शब्द थर्मो और डायनेमिक से मिलकर बना हुआ है। थर्मो का मतलब है हीट और डायनेमिक का मतलब है मोशन, हीट इन मोशन, ऊष्मा का प्रवाह। जब किसी सिस्टम में हीट इन मोशन का हम स्टडी करते हैं, किसी सिस्टम में हीट फ्लो हो रही हो और उसका हम स्टडी कर रहे हो, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, या फिर ये आ कहें इंजीनियरिंग साइंस या फिजिक्स की ऐसी शाखा जिसमें किसी द्रव्य जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, में उपस्थित ऊर्जा या ऊर्जा के लेन देन या फिर सिस्टम पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि द्रव्य, द्रव्य आप जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, ये सभी द्रव्य हैं, मैटर हैं, इनमें किसी ना किसी रूप में ऊर्जा रहती है। तो जब हम किसी सिस्टम में इनको लाते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इनसे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कि अगर हम लिक्विड फ्यूल के रूप में पेट्रोल को हम आईसी इंजन में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो किस में मिलती है? मैकेनिकल फॉर्म में मिलती है, ठीक है। कार्य भी आपका एनर्जी का ही एक रूप है, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा के लेन देन, हम किसी सिस्टम पर काम करते हैं, ठीक है, तो उस सिस्टम को हम ऊर्जा दे रहे हैं, सिस्टम से हमें एक वर्क मिल रहा है, मैकेनिकल वर्क मिल रहा है, मतलब हमको सिस्टम से ऊर्जा मिल रही है, इसी को बोलते हैं ऊर्जा का लेन देन। और ऐसा करने पर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हमें कैसे मिलती है, ठीक है, जो भी फ्यूल रहती है उसकी केमिकल एनर्जी हमें मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलती है, मतलब हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब सिस्टम में हम जो द्रव्य लेते हैं, ठीक है, जो मैटर लेते हैं उसमें उपस्थित उसकी ऊर्जा या फिर उसके एनर्जी इंट्रैक्शन का हम स्टडी करते हैं, सिस्टम पर उसके प्रभाव का, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक सिस्टम यूनिवर्स का एक ऐसा भाग है जिसमें द्रव्य की निश्चित मात्रा या किसी स्थान के निश्चित क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। जब किसी भी स्थान पर हम कोई, ठीक है, द्रव्य लेते हैं, द्रव्य की निश्चित मात्रा लेते हैं ना, डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक, उस पे लेकर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। या फिर डिफिनिट क्वांटिटी लेने पर हमारा जो स्टडी है, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, हमको बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है, तो उस केस में हम निश्चित क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये निश्चित क्षेत्र है, ठीक है। जब हम द्रव्य की कोई मात्रा लेते हैं, एक तो उसका मतलब किसी भी सिस्टम, एक तो द्रव्य की निश्चित मात्रा होगी, ठीक है, डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी, और दूसरा होगा उसका रीजन, ठीक है, तो हम इनमें से किसी एक को लेकर स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, ठीक है। जैसे बीकर में उबलता हुआ पानी, पिघलती हुई बर्फ क्यूब, ईंधन दहन के साथ पिस्टन सिलेंडर, जलती हुई मोमबत्ती, बॉयलर, टरबाइन, इन सभी में आप देख रहे होंगे, चाहे वो जलती हुई मोमबत्ती हो तो हीट लॉस एटमॉस्फेयर में हो रही है, हमें प्रकाश मिल जा रही है, प्रकाश ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। और इसी तरह से आप उबलते हुए पानी की बात कर रहे हैं तो बीकर में जो बॉयल वाटर आपका बॉयल हो रहा है, ठीक है, आइए इसको हम और समझाते हैं आपको, ठीक है। तो बीकर में जो आपका पानी उबल रहा है तो उसको किसी ना किसी फॉर्म में हम हीट दे रहे हैं, फिर वो बॉयल हो रहा है,
ठीक है, और एटमॉस्फेयर में फिर बॉयल होता हुआ अपने एनर्जी को रिलीज करता है वेपर फॉर्म में, ठीक है। और ये टरबाइन, टरबाइन और बॉयलर कैसे आपके थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम होते हैं, ठीक है, ये आपका अगर आप मान लीजिए यहाँ पर ये सही नहीं बना, इसको और अच्छा से बनाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, क्या हो गया, सपोज ये हो गया टरबाइन। टरबाइन में आप देते हैं क्या, स्टीम देते हैं, ठीक है। स्टीम एक्सपेंड होके टरबाइन से निकलती है, टरबाइन स्टीम में जो भी एनर्जी रहती है, ठीक है, स्टीम में जो भी एनर्जी रहेगी वह एनर्जी टरबाइन को ट्रांसफर करेगी, ठीक है, और वह हमें टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी के रूप में मिलेगी, टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी के रूप में मिलेगी। तो इसके अंदर स्टीम जाकर अपने जितने जो भी एनर्जी है, ठीक है, टरबाइन को दे देती है, और उस एनर्जी को हमको हमें मैकेनिकल फॉर्म में मिलता है। तो ये कंप्लीट बनाते हैं आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आगे और भी हम क्लियर कर देंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ये किस तरह का सिस्टम है, ठीक है। आइए अब आता है सराउंडिंग, सिस्टम के बाहर की सभी चीजें, ठीक है। अब सिस्टम को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो सिस्टम के बाहर की जितनी भी चीजें होंगी उसे कहते हैं सराउंडिंग, ठीक है। इसके बाद आता है सिस्टम बाउंड्री या फिर बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला क्षेत्र या लाइन बाउंड्री कहलाता है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम हो गया, सिस्टम के अलावा बाहर की भी जितनी चीजें हो गई हैं सराउंडिंग, ठीक है। और बाउंड्री क्या होता है, क्लोजेस्ट सरफेस टू द सिस्टम, सिस्टम के सबसे नजदीक का जो रीजन होता है, क्षेत्र होता है, सरफेस होता है, वही कहलाती है बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, ना तो कोई थिकनेस होती है, कहने का मतलब यह है इसका वॉल्यूम शून्य होता है। बाउंड्री काल्पनिक या वास्तविक हो सकती है, ठीक है। ये आपकी काल्पनिक बाउंड्री है, इसको डॉटेड फॉर्म हमने दिखा दिया हुआ है, और जो हमारा ये पूरे रीजन लाइन में दिख रहा है ये आपको रियल बाउंड्री के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये बाउंड्री होता है किसी भी सिस्टम का, जो सबसे क्लोजेस्ट रीजन होता है, सरफेस होती है, ठीक है, लाइन होती है, वह इसकी बाउंड्री होती है। और यही वजह है कि इसकी थिकनेस या वॉल्यूम कह लो जीरो होती, कोई थिकनेस नहीं होती है। और बाउंड्री जो होती है आपकी, ये फिक्स भी हो सकती है, ये मूविंग भी हो सकती है। वो कैसे, वो वैसे कि आपने ये आपने पिस्टन सिलेंडर असेंबली देखी हुई है, ठीक है, ये आपने पिस्टन सिलेंडर असेंबली हम बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम द्रव्य की निश्चित मात्रा ले लिए हैं, ठीक है, ये आपका द्रव्य हो गया है, ठीक है। अब जैसे इग्नाइटर इग्नाइट होगा तो इसके अंदर एक्सप्लोजन होगा, अगर आपने आईसी इंजन लिया, पेट्रोल इंजन लिया हुआ, एक्सप्लोजन होगा तो हमारा पिस्टन क्या होगा, पीछे की ओर जाएगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो ये एरिया आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये पिस्टन यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसकी जो बाउंड्री है यहाँ पर मूविंग है, फिक्स नहीं है। तो बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, मूविंग भी हो सकती है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगला क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है तीन प्रकार के होते हैं, पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, अभी हमने तीन चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। अच्छा एक चीज और, जो आपका सिस्टम और सराउंडिंग होता है ये दोनों मिला के बनाते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या है, हम सभी यूनिवर्स में ही, यूनिवर्स में अर्थ है, ठीक है, अर्थ पर पानी है, ओशियन है, स्थल है, सब कुछ है, और अर्थ में ही हमारी कंट्री भी है, इंडिया भी है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, और इंडिया के अंदर हम हैं, तो उसी के अंदर हमारा सिस्टम होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिला के बनाती है क्या, यूनिवर्स, ठीक है।
तो ओपन सिस्टम, हम कहाँ थे, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मास दोनों ही बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। मतलब बाउंड्री से जो है इसका एनर्जी और मास दोनों ही इंट्रैक्शन होगा, मतलब ये सराउंडिंग से एनर्जी ले सकती है, एनर्जी दे सकती है, सराउंडिंग से मैटर या मटेरियल मास ले सकती है या दे सकती है। यहाँ पर आपका जो पैन है ये सिस्टम है, और इस पैन कह लें, स्टोव कह लें, ये कंप्लीट मिलके आपका सिस्टम बनाते हैं, और बाहर का जितना भी किचन का ये एरिया है वो आपका सराउंडिंग है, ठीक है। ओपन सिस्टम का हम एग्जांपल ले लें तो टरबाइन, कंप्रेसर, पंप, आईसी इंजन इत्यादि, ठीक है। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि आईसी इंजन क्यों मतलब ओपन सिस्टम में है, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि इसके अंदर हम कोई मैटर ले रहे हैं, फिर चलिए हम इसको फिर से ड्रा करते हैं। ठीक है, ये सब आप निकाल दीजिए, फिर से ड्रा करते हैं, और हम बनाते हैं एक आईसी इंजन पिस्टन सिलेंडर असेंबली, ठीक है। ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, इसमें हमने पिस्टन लगा दिया, ठीक है। अब इसमें आपका मान लीजिए ये इनलेट वाल होगा, एग्जास्ट वाल होगा, इग्नाइटर होगा, ठीक है। और इसमें हमने, ये आपकी फ्यूल है, ठीक है। तो अब इसमें हम बाहर से, ये आपका जो आपका मतलब ये अगर बाउंड्री हो गई, ठीक है, ये चारों तरफ जो जो आपकी हो गई ये बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अब इसके ये पूरा एरिया क्या हो गया, सराउंडिंग हुआ, इसके जितने भी चीज़ें हैं सब सराउंडिंग हुई। तो सराउंडिंग से देखिए फ्यूल ले रहा है, मैटर ले रहा है, ठीक है, इग्नाइट हो रहा है, तो फिर इसके अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है, इसको क्या एनर्जी भी मिल रही है, ठीक है। हीट लॉस होगा तो इससे जो है हीट सराउंडिंग में जाएगी, तो एनर्जी इंट्रैक्शन तो हो ही रहा है, साथ ही स्मोक जो है आपका आईसी इंजन से आउटपुट के रूप में, एग्जॉस्ट रूप में निकल रहा है, मतलब मास भी बाहर निकल रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर एनर्जी और मास दोनों ही सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी बाउंड्री के पार सराउंडिंग से हमारा मास और एनर्जी दोनों ही इंट्रैक्शन हो, उसे कहते हैं ओपन सिस्टम। और एक एग्जांपल देख लेते हैं टरबाइन का, ठीक है। टरबाइन ये हमने बना दिया टरबाइन, ठीक है, और यहां से आपने इसके अंदर स्टीम डाली, और ये स्टीम एक्सपेंशन करके टरबाइन को मैकेनिकल आउटपुट मिल गया, ठीक है। ये इसकी बाउंड्री हो गई, क्लोजेस्ट सरफेस टू दी सिस्टम, ठीक है, ये जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता, रीजन होता है, वही बाउंड्री होती है। पहले ही बता चुके हैं ये इमेजिनरी भी हो सकती है, एक्चुअल भी, तो यहाँ पर आप तो एक्चुअल कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर स्टीम गई, स्टीम अगर इसके अंदर टरबाइन के अंदर जा रही है, तो स्टीम में क्या क्या चीज़ है, एक तो मास है, दूसरा क्या है इसके अंदर एनर्जी है, हाई प्रेशर टेम्परेचर होता है ना इसमें, तो इसमें एनर्जी भी है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी कि मैकेनिकल वर्क के रूप में, ठीक है। हमें यहाँ पर मैकेनिकल वर्क शाफ्ट पर मिल जाएगा, अब इससे हम जनरेटर चला लें या इस मैकेनिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में यूज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपका मास और एनर्जी दोनों ही बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री से सिस्टम में जा रहे हैं और सिस्टम से बाउंड्री से फिर बाहर को जा रहे हैं, मास और एनर्जी इंट्रैक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए आपका टर्बाइन भी ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह से आपका आईसी इंजन, कंप्रेसर, जितने भी पंप है, मैक्सिमम जो आपके सिस्टम होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आपके कह लीजिए ओपन सिस्टम टाइप के होते हैं। सेकंड है आपका क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो बाउंड्री क्रॉस कर सकती है लेकिन मास बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकती है, मतलब सराउंडिंग से जो है केवल एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा, एनर्जी इंट्रैक्शन होगा लेकिन मास का इंट्रैक्शन नहीं होगा, मास बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अगर आपका जो पैन है, लिड है, ये गैस स्टोव है, ये आपका पूरा सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर आपका पहले से मैटर है, द्रव्य है, ठीक है, उसका एक मास है, फिक्स मास है, डेफिनेट मास है, ठीक है। तो अगर ये गर्म होता है तो हीट लॉस तो होगा, एटमोसफियर में, सराउंडिंग में हीट जा रही है,
ठीक है, गर्म होगी, हीट लॉस होगा, ठीक है, इसका मतलब एनर्जी कंडक्शन हो रहा है, इसको हम स्टोव जलाकर गैस जलाकर हीट दे रहे हैं, मतलब सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, इसकी जो सिस्टम की बाउंड्री है उसके पार एनर्जी आ और जा रही है, एनर्जी कंडक्शन हो रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर जो पानी है या जो भी मैटर है क्या वो सिस्टम से बाहर निकल पा रही है, नहीं निकल रही, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम। यहाँ पर पैन लिड ये आपका कंप्लीट कहलाए और स्टोव गैस मिला के कहलाएगा सिस्टम, और किचन के बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है पूरा सराउंडिंग है वो सराउंडिंग कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम पिस्टन सिलेंडर असेंबली देख लें और उसमें हम जो हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होता है उसको हटा दें, ठीक है, तो अब हमारा मैटर तो जो है सिस्टम से बाहर निकल नहीं पा रहा है मटेरियल, ठीक है, एक फिक्स हो गया है, डेफिनेट मैटर है, ठीक है ना, तो ये सिस्टम की बाउंड्री से बाहर जाएगा और ना बाहर से हम किसी तरह का मैटर ले सकते हैं। अब क्या हम इसमें एनर्जी दे सकते हैं, इग्नाइटर इग्नाइट किए, ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, एक्सप्लोजन होगा, तुम्हारा ये पिस्टन जो एक्सपैंड होगा, ठीक है, और हमारा ये पूरा सिलेंडर गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से बाहर के एटमोसफियर को भी हीट लॉस होगा, ठीक है, सराउंडिंग को हीट मिलेगा, साथ ही साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर हीट ले भी सकते हैं, इन्वर्टर के थ्रू ले रहे हैं, तो कुल मिला के एनर्जी का तो इंट्रैक्शन हो रहा है लेकिन मास का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में जो है एनर्जी का तो इंट्रैक्शन हो सकता है, एनर्जी बाउंड्री के बाहर जा सकती है और बाहर से एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो है मास बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। थर्ड आप या लास्ट कह लें, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी और मास दोनों ही बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का अगर एग्जांपल आप गेस कीजिए क्या हो सकता है, बगल में आप देख रहे होंगे थर्मस बना हुआ है, ठीक है, लेकिन हम आपको बताते हैं थर्मस भी आपका आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, मतलब हमारा यदि थर्मस जो है ये परफेक्टली इंसुलेटेड है तभी ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। क्यों? अगर इस थर्मस में आपने देखा होगा, अगर हम चाय रख दें या गर्म पानी रख दें तो कुछ समय बाद क्या होता है, जो हमारा पानी रहता है उसका तापमान गिरने लगता है, टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, इसीलिए कह रहा है तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल तभी होगा जब ये परफेक्टली इंसुलेटेड होगा, ठीक है। बाकी तो आप थर्मस है बंद है, मैटर तो वैसे भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली हैं, आपका ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। जब स्टार्टिंग में हमने दिखाया हुआ था तो आपने देखा होगा ये कप प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें चाय रखा हुआ है, इसमें हम और चाय डाल सकते हैं, ठीक है, और चाय के साथ साथ चाय गर्म है तो उसमें एनर्जी है, और एनर्जी जो है एटमोसफियर में सराउंडिंग को ऑटोमेटिकली, ये मतलब होता है कि अगर आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन है तो ये ठंडा होता रहेगा, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किसको, सराउंडिंग को जा रही है, तो ये ओपन सिस्टम हो गया। अब देख लीजिए इसके ऊपर हमने एक ढक्कन रख दिया, एक प्लेट रख दी, ठीक है, तो हो क्या रहा है, अब हो ये रहा कि इसके अंदर अब हम और चाय नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, अब इसका मास जो है वो फिक्स हो गया, बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन हीट लॉस तो होगा, हीट लॉस कैसे होगा भाई, अब इसमें जो चाय गर्म है थोड़ी देर बाद आप ठंडी हो जाएगी, मतलब एनर्जी इंट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी बाउंड्री के बारे सकता है, तो ये आपका क्लोज सिस्टम हो गया, ठीक है। अब थर्ड ये आपका थर्मस जो वहां पर भी हमने दिखाया था, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है। अब अगला हमारा सबसे जो लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज, सिस्टम प्रॉपर्टीज, ये क्या होती है हम देखेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को सिस्टम की विशिष्ट विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सिस्टम की स्थिति को निर्दिष्ट करने में सक्षम होती है। कुछ समझ में आया, नहीं समझ आया, चलिए और समझते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि मेजरेबल होती है, जिनका वैल्यू सिस्टम के किसी स्टेट में उसकी विशेषता को दर्शाती है या सिस्टम की फिजिकल कंडीशन को बताती है, जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट इत्यादि। आइए अब हम एक थर्मोडायनेमिक में सिस्टम में एक प्रोसेस को समझते हैं, प्रोसेस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये सपोज अगर आपका इनिशियल स्टेट है और ये आपका फाइनल स्टेट है, ठीक है, जो ये आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है,
ठीक है, ये भी छोटे छोटे कई स्टेट से मिलके बनती हैं। ठीक है, ये सभी आपके इनिशियल स्टेट हो गया, फाइनल स्टेट हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से मिलकर एक हमारी कंप्लीट प्रोसेस होती है। ठीक है, और हर एक स्टेट पर सिस्टम की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर वॉल्यूम कुछ और होगा, एंट्रॉपी यहाँ पर कुछ होगा और होगा, एंथैल्पी कुछ और होगी। इसी तरह हर एक स्टेट पर जो है इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक टाइप की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है जिसका कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, और वह वैल्यू उस सिस्टम के स्टेट की, उस स्टेट की विशेषता को बताती है। ठीक है, उसके फिजिकल कंडीशन को बताती है। और एग्जाम्पल हम दे ही चुके हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम एंट्रॉपी एंथैल्पी डेंसिटी स्पेसिफिक हीट इत्यादि। यह दो तरह की होती है दोस्तों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज या सिस्टम में द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है या सिस्टम का कितना बड़ा साइज है, उसमें हमारा जो मैटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका मास कितना है, इस बात पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर स्पेसिफिक, अगर ये सिस्टम में सिस्टम के साइज और मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं तो ये कहलाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी ये भी सिस्टम के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, प्रेशर टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल डिफ्यूजिविटी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? यह सिस्टम के साइज और सिस्टम में द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में निर्भर नहीं करेगी ना तो सिस्टम के साइज पर ना सिस्टम में द्रव्य की मात्रा पर, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में यह सिस्टम के साइज और द्रव्य की मात्रा दोनों पर ही निर्भर करती है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? वॉल्यूम एंट्रॉपी एंथाल्पी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन एक बात और, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां आपने देखा इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन आप इंटरनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक वॉल्यूम इनको देख के कंफ्यूज ना होइएगा। क्यों? जो आपकी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होती है ये इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास होती है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है ये वॉल्यूम पर यूनिट मास। पर यूनिट मास का मतलब 1 kg मास ले लेंगे, 1 g मास ले लेंगे, मतलब हमने मास को फिक्स कर दिया है, मास तो बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो अब मास पर तो इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। ठीक है, तो इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट भी जो है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू यह वीडियो देखने के लिए। बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। हमारे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।